Hello students, so we are going to start with modern physics, all right? So I'll just tell you what all we are going to study in modern physics. So all then first we are going to study, there are six chapters. So we're going to study photoelectric effect. तो आप लोगों ने ये थोड़ा सा ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स, राइट? तो एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा जाएगा. उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्स रेज, ठीक है, एक्स रेज. और फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स. और उसके बाद फिफ्थ वन इज गोइंग टू बी रेडियो एक्टिविटी, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द रेडियो एक्टिविटी थिंग्स इन डिटेल. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द सेमी कंडक्टर्स, राइट? एंड एक और चैप्टर है जो बोर्ड के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशंस, ठीक है? तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में कवर करने वाले हैं वन बाय वन. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑलराइट? तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके? सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक, तो आप देख सकते हैं अगर आप इसको स्प्लिट करो तो ये होगा फोटो प्लस इलेक्ट्रिक, फोटो प्लस इलेक्ट्रिक, राइट? तो फोटो मतलब हो गया लाइट या फोटोन्स, प्लस इलेक्ट्रिक, तो लाइट का एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले, ठीक है? तो लाइट की वजह से किस तरह से मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ऑलराइट? तो उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जस्ट लाइट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊँगा. तो इन 1900 प्लैंक बेसिकली प्रपोज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड एंड दे एग्जिस्ट इन एलिमेंट्री अमाउंट्स दैट वी कॉल्ड एज फोटोन्स, ठीक है? तो क्या बताया यहाँ पे प्लैंक ने, तो वो आप थोड़ा एक इसका हिस्ट्री थोड़ा सा समझना जरूरी है कि 1900 में प्लैंक, राइट, व्हाट ही प्रपोज्ड, ही प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, व्हाट ही प्रपोज्ड, ये आप ही नोट डाउन कर सकते हैं, प्लीज नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रपोज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड, इट इज क्वांटाइज्ड इन एलिमेंट्री अमाउंट्स. जिस तरह से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, राइट, उसका जो बेसिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹. तो वैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट इज क्वांटाइज्ड इन एलिमेंट्री अमाउंट्स, तो एलिमेंट्री अमाउंट्स दैट वी कॉल्ड एज फोटोन्स, या दैट वी कॉल एज फोटोन्स, उसको हम लोग फोटोन्स कहते हैं. तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे फोटोन्स की बात की जाती है जब एटॉमिक एक्साइटेशन की बात की जाती है. तो खैर, तो एक तो ये जो प्रपोजल इसने दिया, जो भी यहाँ पे प्लैंक ने जो प्रपोजल दिया, उस प्रपोजल के हिसाब से जो क्वांटम ऑफ लाइट है, राइट, जिसका फ्रीक्वेंसी एफ है, तो उसका एनर्जी बताया गया कि एनर्जी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. तो एनर्जी ऑफ दिस फोटोन, दिस इज बेसिकली वॉट, दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, जिस फोटोन की यहाँ बात की जा रही है, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. तो ये हो गया एनर्जी ऑफ द फोटोन. और यहाँ पे ये जो एफ आप देख रहे हो, ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है? क्योंकि लाइट को एक वेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है, राइट, और उसी को एक पार्टिकल की तरह भी ट्रीट किया जा रहा है, यानी यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का डिस्कशन चल रहा है. तो 1900 में प्लैंक ने प्रपोज किया कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी जिनका ये वेव नेचर हमने स्टडी किया है, राइट, जो वेव नेचर शो करते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो बेसिकली एक पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं, मतलब वो जो है वो क्वांटाइज्ड है, राइट, इन एलिमेंट्री अमाउंट्स कॉल्ड एज फोटोन्स. मतलब हम
अभी तक सोच रहे थे, 1900 से पहले तक हम सोच रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये सिर्फ वेव है, यानी ये सिर्फ वेव नेचर शो करता है। लेकिन 1900 में जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, जो कुछ जानकारी मिली, उसके हिसाब से प्लैंक ने बताया कि ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, लेकिन ये बेसिकली पार्टिकल्स हैं, और ये एक पर्टिकुलर एनर्जी इनका जो होता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, और बाकी जो टोटल एनर्जी वो उसका मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे फोटोन्स के बारे में चर्चा हो रही है, राइट? तो यहाँ पे पार्टिकल नेचर भी शो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उस पार्टिकल को हम कहते हैं फोटोन्स। और वो बेसिकली क्या है, वो इट इज बेसिकली यू कैन से इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है? फोटोन्स क्या है, फोटोन्स इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, और उस फोटोन का जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। सो एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट द लाइट एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स, फ्रॉम एनी सोर्स इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल। लाइट एनर्जी, ठीक है, ये बात यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है हम लोगों को कि जो लाइट एनर्जी है, ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट करिए कि जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से, राइट, फ्रॉम एनी सोर्स इज ऑलवेज एन इंटीग्रल, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ स्मॉलर एनर्जी वैल्यू। स्मॉलर एनर्जी वैल्यू जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, कॉल्ड एज फोटोन्स, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्वांटम ऑफ लाइट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वांटम ऑफ लाइट, ठीक है। तो जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है। तो यहां पे एन क्या है, एन का मतलब हो गया इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये बात यहाँ समझने की बहुत ज़रूरी है कि क्यू इज इक्वल टू एन ईवन जब हम लिख रहे हैं तो एन क्या है, एन एक इंटीजर है, या ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल तो इंटीजर है, और ईवन क्या है, ईवन जो है दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी है, तो वो कितना होगा, वो होता है एच म्यू, ठीक है। तो ये म्यू क्या है, ये जो न्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे, न्यू ये है फ्रीक्वेंसी। तो आप देखिए कुछ बुक्स में एच एफ भी लिखा रहता है, ठीक है, दोनों सिंबल्स में कोई भी एक यूज होगा, या तो न्यू ये यूज होगा या तो एफ यूज होगा। तो बेसिकली ये है फ्रीक्वेंसी, तो मैं चलिए एफ लिख देता हूँ यहाँ, एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमें बहुत समझना जरूरी है, जो टोटल एनर्जी होगा लाइट का वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो दैट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके हिसाब से आप प्लीज नोट करते जाइए वीडियो को पॉज करके। तो इसके हिसाब से, राइट, इसके हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां पे जो भी हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाता है एच एफ, राइट। और हमें पता है, हमें पता है, हमने वेव में पढ़ा है कि जो वेव का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। तो यहाँ से जो स्पीड है, लाइट का जो स्पीड है उसको हम सी ले लेते हैं, ठीक है, लाइट का स्पीड उसको सी लेते हैं। सी का वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ m/s, ठीक है, सी। तो सी इज इक्वल टू एफ लैमडा, तो यहाँ से एफ का वैल्यू क्या आया, वो आ गया सी बाय लैमडा। तो ये जो एफ का वैल्यू आया सी बाय लैमडा, ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, वो हो जाएगा एच सी बाय लैमडा, एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एच है, एच का वैल्यू कितना होता है, तो ये आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके बताता हूँ, ठीक है। तो एच जो है, एच का वैल्यू है 6.63 × 10⁻³⁴ j/s, ठीक है, ये कांस्टेंट है जो हमें ध्यान रखना है, हमें याद रखना है इस वैल्यू को, ठीक है। तो इस वैल्यू को याद रखिए कि एच का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.63 × 10⁴ j/s। तो ये एच का वैल्यू और सी का वैल्यू हमें पता है, सी का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻³⁴
8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ से हम लोग अगर ये h और c का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, तो आप देख सकते हैं ये सब्स्टिट्यूट अगर आप कर दो, राइट, 6.63 इंटू 10^-34 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 × 10^8 डिवाइड बाई लैम्डा। तो यहाँ से जो आपको ये एनर्जी मिलेगा, राइट, एनर्जी, तो इसमें लैम्डा आप कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, इसमें आप लैम्डा सब्स्टिट्यूट करोगे मीटर में, ठीक है, जो भी लैम्डा का वैल्यू होगा वो आप मीटर में सब्स्टिट्यूट करोगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, राइट, तो यहाँ पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि जब आप इसको कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन × 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये एनर्जी का यूनिट है, ये जो है दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आप देख रहे हो, दिस इज एनर्जी, दिस इज यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, दिस इज यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या होगा, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं जूल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1.6 × 10^-19 कूलम, ये चार्ज हो गया, × 1 वोल्ट, तो ये हो गया यहाँ से 1.6 × 10^-19 कूलम इंटू वोल्ट, तो ये कूलम इंटू वोल्ट ये जूल हो जाएगा, तो ये 1.6 × 10^-19 जूल हो जाएगा, राइट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है वर्क डन बाई चार्ज, राइट। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा पोटेंशियल इंटू चार्ज, राइट। अब पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, चार्ज का यूनिट कूलम, इसलिए मैंने बोला कि वोल्ट इंटू कूलम, वोल्ट इंटू कूलम जो है वो जूल के बराबर है, वो किसके बराबर है, जूल के बराबर है। तो हमें यहाँ से ये मालूम पड़ रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बेसिकली ये 1.6 × 10^-19 जूल के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी ये चीज़ आ रहा है इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और तो मैं आपको ये जस्ट करके बताता हूँ, देखिए, तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, राइट, यू प्लीज़ नोट डाउन कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। और आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे इसको हम लोग कैसे यूज़ करने वाला है। तो जब आप HC, यहाँ पे जो HC का वैल्यू है, राइट, तो इस वैल्यू को जो यहाँ पे आया है 6.63 × 10^-34 × 3 × 10^8, राइट, इस फॉर्मूले में जो ऊपर है वो बेसिकली HC है, HC बाय लैम्डा। तो मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट HC, ठीक है, अभी सिर्फ HC के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर इसको आप देखोगे, राइट, यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका जूल में आ जाएगा, ठीक है, ये किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, तो H का यूनिट कितना है, H का यूनिट है यहाँ पे जूल सेकेंड, ठीक है, H का जो यूनिट है वो है जूल सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये जूल मीटर आ गया, ठीक है। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हमको इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, राइट, हम इसको 6.63 × 10^-34 × 3 × 10^8 जो है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10^-19 से कन्वर्ट कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 12400 × 10^-10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर, ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ये 10^-19 आप ऊपर लोगे तो 8+19 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 34, तो 10^-7 बचेगा, फिर इसको आप जब डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा 12.4, तो बेसिकली ये आएगा 12.4, ये 6.63 है, 12.4 × 10^-7 उसको हमने लिख दिया है 12,400, 3 जीरोज हमने शिफ्ट कर दिया, डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया है,
ठीक है, और तो ये हो गया इंटू 10^-10। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो 10^-10 है, इसको हम इसके साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 12400 इंटू, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 10^-10 मीटर। अब 10^-10 मीटर होता है 1 एंस्ट्रॉम, तो ये हो गया 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंस्ट्रॉम, ये इसका वैल्यू हो गया, एच सी का वैल्यू। तो अब हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला है, राइट, जो एनर्जी का फॉर्मूला है, यानी ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एच सी का जो वैल्यू है, राइट, एच सी का वैल्यू हम लोग डाल देंगे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंस्ट्रॉम में, और वेवलेंथ भी हम लोग डाल देंगे एंस्ट्रॉम में। ठीक है, समझ में आया आपको? तो वेवलेंथ अगर मीटर में दिया होगा या इसमें, तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे उसको और एंस्ट्रॉम में उसका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो जो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। ओके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है कि जो वेवलेंथ है, राइट, क्योंकि वेवलेंथ हमें दिया गया है 4000 एंस्ट्रॉम। ठीक है, ये हमें दिया गया वेवलेंथ, और हमें बोला गया कि एनर्जी फाइंड करो, फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन एसोसिएटेड विद दिस वेव। ठीक है, तो फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच इज एसोसिएटेड विद दिस वेव, विथ दिस वेव, इसका एनर्जी फाइंड करो, एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा है ये फॉर्मूला, बट आपने इसको मॉडिफाई कर दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, तो ये हो जाए 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, और ये एंस्ट्रम यहाँ पे डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा कितना है 4000 एंस्ट्रम। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 4 3 12, ये कैंसिल हो जाएगा, दो जीरोस। ठीक है, तो आप 4 से डिवाइड कर लो, और फिर तो 4 3 12 हो जाएगा, और 4 1 4, फिर 4 3 जो, तो ये 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा एनर्जी ऑफ अ फोटोन। तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों निकाला, तो अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि एच सी जो है, एच सी को हम लोग लिख सकते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंस्ट्रॉम, और लैम्डा है गिवन है 4000 एंस्ट्रॉम। ठीक है, तो एंस्ट्रॉम एंस्ट्रॉम कैंसिल हो गया यहाँ से, और बाकी जब आप इसको सॉल्व करोगे 124/40 जब आप करोगे, तो आपको मिल जाएगा 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ऑफ अ सिंगल फोटोन एसोसिएटेड विद दिस वेव, राइट। ये जो वेव है जिसका वेव लेंथ 4000 एंस्ट्रॉम है, इसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है, एक फोटोन का जो एनर्जी होगा वो होगा 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों लिया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो उसमें हमें जो वैल्यूज दिए होंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिए होंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वो हमें यूजफुल होंगे, काम आएगा, इसके लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला डेवलप किया है। तो इसको आप ध्यान रखिए कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन, राइट, विच इज एच सी बाय लैम्डा, तो ये यहाँ पे एक्चुअली जूल में है, ये मीटर में, ठीक है, और आपने डायरेक्ट वैल्यूज डाल दिए, आपने सब कुछ एसआई यूनिट में डाला। अगर आपने सब कुछ यहाँ पे एसआई यूनिट में डाल दिया, तो आपको जो एनर्जी है वो मिलेगा आपको जूल में, वो किस में मिलेगा आपको, जूल में। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले में आपने एच सी का वैल्यू डाल दिया 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंस्ट्रम, राइट, डिवाइडेड बाय जो वेवलेंथ दिया होगा, मानो यहाँ पे 4000 एंस्ट्रम दिया था, ये सब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंस्ट्रम में डाला, तो आपको जो एनर्जी मिलेगा वो किस में मिलेगा, वो आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ठीक है, तो जब आपको एनर्जी जूल में निकालना हो, तो आप सब कुछ एसआई यूनिट डालेंगे, यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यूज हैं, एच का वैल्यू 6.63 × 10^-34, सी का वैल्यू 3 × 10^8, और लैम्डा को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो जब यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा, तो आप लैम्डा को मीटर में कन्वर्ट करोगे, मतलब आप 4000 एंस्ट्रम को लिखोगे 4000 × 10^-10 मीटर। तो अगर आपने सब कुछ एसआई यूनिट में ले लिया है, सब कुछ अगर आपने एसआई यूनिट में लिखा है, तो आपको एनर्जी किस में मिलेगा, जूल में मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंस्ट्रम बाय एंस्ट्रम किया है, तो ये फिर आपको एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऑलराइट, तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फोटॉन्स के प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। ठीक है, और एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो भी एनर्जी होगा, जो लीस्ट एनर्जी होगा एक फोटोन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पॉइंट के साथ हम ये आज का पहला जो इसका लेक्चर है, ये एंड करेंगे कि जो एनर्जी है, लीस्ट एनर्जी जो होगा एक फोटोन का, वो होगा एच एफ, ठीक है, या एच सी बाय लैम्डा, ये है। दिस इज द लीस्ट एनर्जी ऑफ अ लाइट, लीस्ट एनर्जी अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ कैन हैव,
दिस इज द लीस्ट एनर्जी अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ कैन हैव, राइट। बाकी जो भी होगा वो हमेशा इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन विल ऑलवेज बी, इसको हम ई वन कह देते हैं, इट विल ऑलवेज बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस बेसिक एनर्जी, ठीक है, राइट। इट विल नेवर बी, ये ऐसा कभी नहीं होगा 1.5 ई वन, ये गलत है, या ये ऐसा कभी नहीं होगा 2.9 E1, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, ये आज आपका हमारा पहला लेक्चर था। अब हम लोग सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स क्या होते हैं और फोटोन काउंट्स एमिटेड बाय सोर्स पर सेकेंड क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए।